बहन से छेड़छाड़ भाइयों को उस वक्त महंगी पड़ गई जब बहन की लाज बचाने गए भाइयों पर ही होटल के कारिंदों ने तेज धार हथियारों से हमला बोल दिया और इतना मारा कि दोनों युवक बुरी तरह लहूलुहान हो गए। घायलों को तुरंत ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया, जहां उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर रोहतक PGI रेफर कर दिया। दरअसल ये घटना रिवाड़ी के अंतर्गत आने वाले दिल्ली जयपुर हाईवे पर संगवाड़ी गांव के पास स्थित एक होटल की है, जहां सीकर से दिल्ली जा रही राजस्थान रोडवेज की एक बस आकर रुकी। बस में सवार सीकर जिले के रहने वाले विकास और निखिल भी खाना खाने के लिए बस से उतरे, जो कि अपनी बहनों के साथ दिल्ली जा रहे थे। आरोप है कि इनकी बहन जब होटल में टॉयलेट के लिए गई तो होटल के कारिंदों ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। शोर मचाने पर जब विकास वहां पहुंचा तो कारिंदों ने बर्फ तोड़ने वाले लोहे के सुए से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। वहीं जब शोर सुनकर दूसरा भाई वहां गया तो कारिंदों ने मिलकर उसे भी बुरी तरह जख्मी कर दिया। बहरहाल दोनों जख्मी युवक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। घटना के असल कारणों का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा। आपको बता दें कि ये सभी लोग राजस्थान के रहने वाले हैं और दिल्ली में रहते हैं, जबकि छेड़छाड़ पीड़ित राजस्थान स्वास्थ्य विभाग में बतौर ANM कार्यरत है। रिवाड़ी से अजय त्री, आजाद टीवी न्यूज। कैसे क्या हुआ? वो संगवाड़ी गांव के पास होटल में बस रुकी थी राजस्थान रोडवेज, वही होटल वालों ने सिस्टर के साथ छेड़छाड़ की, उनको टोका तो मारपीट कर दिया। फिर आपके ये कैसे क्या? उसी ने होटल वाले ने हाथ के अंदर घुसा दिया, सुबह घुसा दिया। किस बात पे मारपीट की? सिस्टर के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। छेड़छाड़ का क्यों हुआ? होटल वाले थे, लस्सी वगैरह जो बना रहे थे होटल पे। क्या नाम है होटल का? नाम तो फ्लाई किंग रेस्टोरेंट था, बाबा था। थोड़ा संजू, कैसे क्या बात हुई? हम टॉयलेट करके आ रहे थे कि साइड से उसने कुछ बोल दिया। किसने? होटल वाले। अच्छा, उसी को लेके झगड़ा हुआ? तो भैया ने वो बोल उसको जाके बोला, फिर भैया के उसने वो रोक लिया, फिर इसके ऊपर वो कार से वो उसमें लड़ाई झगड़ा को अंदर से निकाल के देखे। फोटो पे इतने लोग थे, किसी ने आपको बचाने के लिए? किसी कितने लोग थे मारने वाले? तीन चार बस खड़ी।